बिलासपुर के कंदरौर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए फिसली जुबान। इस दौरान पहले तो ये कहा, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पप्पू कहने पर रोक लगाई है। उसके उपरांत उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू की संज्ञा देने का कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर दोषारोपण करते हुए कहा कि जब सिद्धू भाजपा में थे तो उसमें भाषण की शुरुआत पप्पू से ही करते थे, जिस कारण वर्तमान समय में राहुल गांधी का नाम पप्पू रखने के कारण लोगों ने अपने बच्चों का नाम पप्पू रखना बंद कर दिया है। बिलासपुर जिला में भाजपा के प्रत्याशी सांसद अनुराग ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चार जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा आरंभ की गई जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों का वर्णन भी किया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का शुभारंभ देश के पीएम मोदी ने किया। उज्ज्वला योजना हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के बावजूद शिमला होते हुए लोगों के घर द्वार तक गैस कनेक्शन के रूप में पहुंची है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा चारों सीटों पर काबिज होगी, इसमें कोई शक नहीं है। देश की जनता पीएम मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को कमजोर किया है, आतंकवाद को रोकने की अपेक्षा बढ़ावा दिया है। हिमाचल और पंजाब सीमा के साथ सटे गाँव मजारी में हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस की सांझी रेड के दौरान जंगल में चलती भटियां शराब की बरामद की हैं। वहीं मौके पर तस्कर फरार हो गए हैं। इससे पहले भी हिमाचल और पंजाब पुलिस के सांझे अभियान में 37 ड्रम कच्ची शराब पुलिस ने पकड़ी है, जिसे मौके पर नष्ट किया गया है। डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि पंजाब और हिमाचल पुलिस के नशा तस्करों के खिलाफ सांझे अभियान समय समय पर किए जाते हैं और इस बार भी हिमाचल पंजाब पुलिस ने मिलकर शराब तस्करों पर शिकंजा कसा है। हालांकि शराब तस्कर भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कच्ची शराब के 26 ड्रम पुलिस ने मौके पर बरामद करके इन्हें नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत हिमाचल और पंजाब पुलिस बॉर्डर एरिया पर पूरी तरह से सतर्क है और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बॉर्डर क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग भी की जाती रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां क्षेत्र में ना चले। हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक आईजी भंडारी ने 246 पन्नों की किताब मिडनाइट रेड लिखी है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक रजिंदर सिंह बिलासपुर ने इसका विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि आईडी भंडारी ने बहुत संघर्ष किया है, जिस कारण वह पुलिस महानिदेशक के उच्च पद पर आसीन हुए थे, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी, जिनका उन्होंने डटकर आत्मविश्वास पूर्वक मुकाबला किया है। ये उनकी ईमानदारी व स्वच्छ छवि का प्रमाण है कि राजनीतिक हस्तक्षेप व दबाव के चलते भी वह बेदाग बच निकले हैं। वहीं दूसरी ओर इस किताब को लेकर आईडी भंडारी का कहना है कि पुलिस अधिकारियों के लिए सेवा काल के दौरान अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में ये किताब उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि अपने जीवन वृत्त से जुड़ी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आईजी भंडारी ने अपनी किताब में राजनेताओं के द्वारा विरोधी दलों से अपना बदला लेने के दौरान अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने का सारा वर्णन इस किताब में किया है। गौरतलब है कि आईडी भंडारी फोन रिकॉर्डिंग के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2013 में पुलिस महानिदेशक के पद से हटाया था। उस दौरान आईजी भंडारी पर भी फोन टैपिंग का मामला दर्ज हुआ था, मगर इस बारे में आईडी भंडारी का कहना है कि उन पर दायर मामले में वे न्यायालय में बाइज्जत बरी हुए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस के सीआईडी विंग को टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत टेलीफोन को रिकॉर्ड करने का अधिकार है, मगर उससे पहले सरकार से अनुमति ली जाती है। पुलिस उस स्थिति में टेलीफोन रिकॉर्ड करती है जब कोई मामला असामाजिक तत्वों वो देश सुरक्षा से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि उनके साथ राजनीतिक तौर पर जो भी घटनाक्रम हुआ था उसमें ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं होती कि उन पर मामला बनता, मगर कुछ भी नहीं होने के चलते भी बदले की भावना से सब कुछ राजनीतिक इशारे पर हुआ था, जिसमें कि सरकारी धन व मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ था।
कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर ने कहा कि 12 मई को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चंबा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कपूर ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को घेरते हुए कहा कि हार को सामने देखकर ये लोग बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। कपूर ने कहा कि वीरभद्र सिंह तो ऐसे नेता हैं जो अनाप शनाप बयानबाजी के बाद हमेशा मुकरने की महारत रखते हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह का इस मर्तबा जब ऊपर नीचे की राजनीति का पैंतरा नहीं चल रहा तो अब उन्होंने जाति का दाव खेलना शुरू कर दिया है। किशन कपूर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री अपनी हार सामने देखकर बौखलाहट में है। बीजेपी प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस बार शतरंज के मोहरे नहीं चलेंगे। मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी को हरा चुके हैं। इस बार सुखराम के पुत्र आश्रय की बारी है। इस हार के साथ ही राजनीति के शतरंज के खिलाड़ी कहे जाने वाले पंडित सुखराम की राजनीति का भी अंत हो जाएगा।